झारखंड में बीजेपी ने संगठनात्मक बदलाव के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। पहला संकेत राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दिया है। उन्होंने बोरियो से पार्टी के विधायक ताला मरांडी को झारखंड बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया है। राजमहल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बोरियो विधानसभा क्षेत्र आता है और संथाल परगना इलाके में ताला मरांडी बीजेपी के बड़े नेताओं में जाने जाते हैं। साल 2005 में ताला मरांडी बोरियो से ही विधायक चुने गए थे, हालांकि फिर इसके बाद 2009 में बोरियो से जेएमएम के लोबिन हेम्ब्रम को जीत हासिल हुई, लेकिन फिर साल 2014 में ताला मरांडी ने जेएमएम से ये सीट हासिल कर बीजेपी की झोली में दोबारा डाल दी। सियासी हलकों में ताला मरांडी को अर्जुन मुंडा का बेहद करीबी माना जाता है। दरअसल माना भी जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान एक नए आदिवासी चेहरे को सामने लाना चाह रहा था। गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुबर दास और स्थानीय नीति पर फैसले के बाद विरोधियों के तेवर से असहज होती दिख रही बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश भी थी जो विवादित नजर नहीं आता हो। स्थानीय नीति की वजह से बीजेपी पर आदिवासी विरोधी होने का भी आरोप लग रहा था और अब ताला मरांडी का नाम सामने कर पार्टी आलाकमान संतुलन साधने की सियासी कोशिश में जुटा हुआ है। तो आपको बता दें कि झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी बन चुके हैं, आदिवासियों के बड़े चेहरा माने जाते हैं और अर्जुन मुंडा जो झारखंड के पूर्व सीएम थे उनके बेहद करीबी माने जाते हैं और इस बार इन पर सारा दारोमदार रखा गया है झारखंड बीजेपी का। और ताला मरांडी झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ताला जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जी पुरवैया की टीम की तरफ से कि आप झारखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। सवाल है आपसे दो तीन हमारे कि इस नई पारी के लिए आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या आपकी नियुक्ति संगठन में बदलाव का भी संकेत है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है अपने प्रदेश के अंदर जितने भी जिले हैं हर एक जिले की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग बातें हैं। सबों को नेतृत्व मिले और बेहतर झारखंड का निर्माण हो जी, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे और सामूहिक निर्णय पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे जी, ताकि कोई भी आदमी अपने आप को उपेक्षित नहीं समझे। अच्छा सर, आपकी पार्टी की सरकार है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चुनौतियां आपकी पार्टी के लिए, आपके सरकार के लिए हैं? अभी चुनौतियां तो हर जगह है और ये चुनौती हर हमेशा रहेगा, लेकिन एक एक चुनौतियों का हम लोग सामना करेंगे और जनता की समस्याओं का हम लोग निदान कैसे ढंग से हम लोग कर सकते हैं जी, पहले विचारेंगे, उस पर उसके बाद उस पर अमल करेंगे। अच्छा सर, सवाल ये भी है कि स्थानीय नीति के खास तौर पर बात की जाए तो लगातार सरकार घिरती हुई दिख रही है, विपक्ष का तेवर इस पर कम होने का नाम नहीं ले रहा है और स्थिति ये है कि अब आपके लोग भी अब इस पर सवाल उठाते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह स्थानीय नीति बनाने की जो बात है, कई सरकारों को स्थानीय नीति बनाने के लिए मौका मिला था जी, और बाबूलाल मरांडी जी के बाद किसी ने हिम्मत नहीं जुटा पाया था और हमारी वर्तमान सरकार और सरकार स्थानीय नीति बनाने में जी जो साहस उन्होंने जुटाया है वो काबिल तारीफ है जी। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें कुछ विसंगतियां आ गई हो, तो उसके लिए भी पर्याप्त संभावनाएं हैं। इस झारखंड को जब जब लड़ने लगेगा जी, लेकिन सर इस बीच माफ कीजिएगा, सवाल ये भी उठता है कि पार्टी में इसी बात को लेकर दो अलग अलग राय है, कुछ लोग इस पर सहमत हैं, कुछ लोग संशोधन की बात करते हैं, तो फिर इसे कैसे पाटिएगा, क्योंकि जनता के बीच एक गलत मैसेज जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत लोग उस पर बारीकी से उस पर ध्यान नहीं दिए हैं कि क्या है नहीं है जी, बहुत लोग उकसावे पर भी इस तरह का बयानबाजी करते रहते हैं। हम लोग हर हमेशा ये प्रयास करते हैं उस पर डिस्कशन हो, बात विचार हो, कहां हम लोगों से चूक हुई है, झारखंड को किसी भी एंगल पर नुकसान नहीं पहुंचे इसका भरपूर ख्याल रखा जाएगा
जी सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। तो झारखंड बीजेपी के नौ निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बेबाकी से उन्होंने सब चीज़ों पर पार्टी के अंदर जो अंतर्कलह है या फिर क्या कुछ सरकार के लिए चुनौतियां हैं, वहीं स्थानीय नीति पर भी बेबाकी से उन्होंने अपनी राय स्पष्ट की है। तो ताला मरांडी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के, उन्होंने हमारे साथ बात की और बताया कि उनकी क्या कुछ राय है स्थानीय नीति के मुद्दे पर, पार्टी के अंदर संगठन को मजबूत करने की बात पर, या फिर सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उन तमाम चीजों पर एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से ताला मरांडी ने अपनी बात रखी।